सिर्फ मस्ती करने वाला है, पर ऐसा होने नहीं वाला। कहीं ना कहीं जो हमारी लेयर्स हमने ऐड करी हैं इसके अंदर, कि किस तरह से वो कब इंट्रीग हो जाता है और कब वो बहुत मज़ेदार हो जाता है, वो एक शिफ्ट है इस मेरे कैरेक्टर में बहुत अच्छे से, जिसे हम दिखा रहे हैं। प्लॉट मिला है, यू नो, टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन टू दिस जॉनर एंड कैरेक्टर। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ पुकार। द फैमिली अगेन, यू नो, तो उसकी माँ के प्रति जो उसका प्यार है, अपनी चाची जो सरस्वती हैं उनके प्रति जो उसका प्यार है, उनके लिए जो उसकी लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जेंटलमैन और एक बहुत ही अच्छी एक लव फ्लेवर ऐड करता है। आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड आई, यू नो, द वन थिंग दैट मेक्स मी सो हैप्पी कि जो ये मेरा ये जो फैंडम है और ये जो मेरे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि वैन यू आर इन योर लोज एंड देन वैन यू ओपन अप इंस्टाग्राम एंड यू वॉच दोज लविंग रील्स, गुड वर्ड्स अबाउट यू, द पॉजिटिविटी। हाई गाइज, दिस इज अभिषेक निगम एंड वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है अभिषेक। वेलकम अभिषेक ऑन मायापुरी। थैंक यू सो मच मुझे मायापुरी पर आने का मौका देने का। वेल, इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं। काफ़ी प्रोमोज भी जो रिलीज हुए हैं काफ़ी इमोशनल, जहाँ रिलेटेबल हैं, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका अंदाज होगा इस शो में जो ऑडियंस को, फैंस को देखने को मिलेगा? क्या कहते हैं उसे, खुशनुमा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मैं कहूँगा लेयर्ड कैरेक्टर है। okay. और कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ मस्ती करने वाला है, पर ऐसा होने नहीं वाला। कहीं ना कहीं जो हमारी लेयर्स हमने ऐड करी हैं इसके अंदर, कि किस तरह से वो कब इंट्रीग हो जाता है और कब वो बहुत मज़ेदार हो जाता है, वो एक शिफ्ट है इस मेरे कैरेक्टर में बहुत अच्छे से, जिसे हम दिखा रहे हैं। और मेरे लिए एक नया जॉनर है ट्राई करने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग प्लॉट मिला है, यू नो, टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन टू दिस जॉनर एंड कैरेक्टर। I'm very happy and very blessed that I've got this opportunity to be a part of Pukar. Well, कैसा ग्रे शेड रहेगा, पॉजिटिव है क्या कुछ है, अगर थोड़ा बहुत बता दें आप फैंस को, व्यूअर्स को? आई मीन ग्रे शेड तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता मुझे लाना चाहिए, पर जो मेरा शो है, मतलब जो मेरा इस शो में मेरा जो कैरेक्टर है, वो काफ़ी मैंने जैसा बोला कि काफ़ी इसमें लेयर्स है, बिकॉज ही इज़ वेरी आइडियलिस्टिक और उसके जो विचार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब अच्छी चीज़ों को, बिकॉज यू नो, हमसे लोग कनेक्ट करते हैं, हमसे सीखते हैं, जुड़ते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छी चीज़ों की तरफ ही हम लेकर जाएं। तो जैसे फैमिली की तरफ उसकी जो एक प्यार है, एक रिस्पेक्ट करता है जो सभी औरतों की, जो उसके अंदर एक सेंस ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स वुमेन, हाँ, सो इज अ वेरी जेंटलमैन। और उसको शायद कहीं ना कहीं उसके और उसके पिता में इसी बात का एक यू नो जो लड़ाई भी difference? है डिफरेंस भी है, कि मतलब वो अपने आइडल, अपने यू नो, अपने आदर्शों को लेकर वो इतना कठोर है कि शायद उनके लिए वो अपनी फैमिली के भी विरुद्ध चला जाता है। सो दैट अगेंस्टनेस टुवर्ड्स द फैमिली इज काइंड ऑफ एडिंग दिस कैरेक्टर ऑफ यू नो इंट्रीगनेस इन टू दिस कैरेक्टर एंड द लव टुवर्ड्स द यू नो द फैमिली अगेन, यू नो, तो उसकी माँ के प्रति जो उसका प्यार है, अपनी चाची जो सरस्वती हैं उनके प्रति जो उसका प्यार है, उनके लिए जो उसकी लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जेंटलमैन और एक बहुत ही अच्छी एक लव फ्लेवर ऐड करता है। एंड देन दैट बैंटर, दैट यू नो यंगनेस दैट वी ऑल थ्री आर ब्रिंगिंग, मी, वेदिका एंड कोयल, जो हमारा एक यू नो एक जो हमारा जो प्रोफेशन है लॉ का, उसमें हम किस तरह से यू नो हम एक दूसरे से खेल रहे हैं और मतलब हमारी बातें हो रही हैं, एक हम दोनों की एक जो केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो उस तरह का भी एक लेयर एडेड है। तो काफ़ी यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कैरेक्टर में करने का मौका मिल रहा है मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वेल, जब मैं प्रोमो देख रही थी ऑनलाइन, तो कॉमेंट्स जब मैं पढ़ रही थी, तो फैंस कह रहे हैं आपके कि अभिषेक कहाँ है, हमें प्रोमो में अभिषेक क्यों नहीं दिख रहे, तब ईगोली बेटी। I'm also waiting for that, and I think you know we have decided ki you know they I would want to be there on the shows, you know, aap mujhe wahan dekhe aur uske baad fir dheeme dheeme apni journey layenge aur ek excitement to bana ke rakhna chahiye na, so that we are like भगवान भरोसे बैठे अभिषेक। कैसा लगता है, मतलब मैं भी जब कमेंट्स पढ़ रही थी, मतलब फैंस, मतलब इतने वक्त से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी किरदार भी आप अलग अलग निभा चुके हैं, फिर भी फैंस हमेशा आपके हर जर्नी में जुड़े रहते हैं, एंड अभी भी जब आपकी कुछ झलक उनको दिखने को नहीं मिल रही कि किस क्या अंदाज़ होगा, किस तरह से अभिषेक की वापसी हो रही है इस शो के ज़रिए, तो वो मतलब वो जो एकदम ईगरली वो लोग वेट कर रहे थे, क्या कहेंगे, मतलब इतना फैन से जुड़ना, अभी तो सोशल मीडिया भी इजी हो गया है, आप बात भी कर सकते हैं, कितना ब्लेस्ड फील करते हैं आप जब ऐसी फैंडम होती है?
मैं तो मतलब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड आई यू नो द वन थिंग दैट मेक्स मी सो हैप्पी कि जो ये मेरा जो फैंडम है और ये जो मेरे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि when you are in your lows and then when you open up Instagram and you watch those loving reels, good words about you, the positivity, so it gives, it brightens you up. और जो मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरे यू नो लाइक जो एडिट्स बनते हैं, जिस तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं, आई एम टेलिंग यू आई लिव फॉर दैट. तो मुझे तो बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि बस किसी तरह जिस तरह से भी उनको इंटरटेन कर सकूँ, उनको मैं अपने जो भी मेरी आर्ट है उसको उससे मैं उनको खुश कर सकूँ, उन्हें वो दिखा सकूँ और उनसे रिलेट कर सकूँ, उनसे बात कर सकूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ लव टूवर्ड्स मी. फैंस को उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ? मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि एक नई जर्नी शुरू हो रही है पुकार दिल से दिल तक, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू यू नो ब्रिंग समथिंग न्यू टू यू, एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको और वापस से आपको मुझे देखने का मौका मिलेगा और मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा. तो ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए ताकि हम यू नो और अच्छा कर सकें ज़िंदगी में, और आप भी अच्छा करिए. थैंक यू सो मच. कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई.